नमस्कार दोस्तों, श्री किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना प्याज लहसुन की मसाला भिंडी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली है, जिसको धो लिया है, सुखा लिया है, और अब हम इसको काटेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ये हमारी भिंडी भी कट चुकी है और कुछ आलू भी काट लिए हैं मैंने। बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। हमारे कम तेल में ही कुरकुरी मसाला भिंडी बनके तैयार हो जाएगी। डालेंगे मेथी दाना, सौंफ, जीरा, राई दाना और हरी हुई और हरी कटी मिर्च डालेंगे हमने, जो काट के रख ली थी पहले। आलू डालेंगे कटे हुए। अगर हम भिंडी में आलू डाल रहे हैं तो हमको आलू पहले डालना है। आलू थोड़े से भुन जाएंगे, फिर उसके बाद हम भिंडी डालेंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे। आलू भुन चुके हैं, अब हम हमारी कटी हुई इसमें भिंडी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और चलाते चलाते इसको हम भुनेंगे। इसमें अभी हम मसाले नहीं डालेंगे, इसको पहले बगैर मसाले के ही भुनेंगे। नमक भी बाद में डालेंगे। भिंडी पानी छोड़ती है जैसे कि पानी सूख जाए, उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे इसमें। बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर हम नमक पहले डाल देंगे तो भिंडी चिपचिपी बनेगी, इसलिए नमक हम बाद में डालेंगे जब थोड़ा सा भिंडी भून लेंगे। थोड़ी सी भिंडी भून चुकी है, लगभग 10 मिनट हमने भून लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। डालूंगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और यहीं पर डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ भी अभी हमको भूनना है। चलाते चलाते भूनेंगे। मीडियम फ्लेम रखना है हमको गैस का, हाई नहीं रखना है, जिससे कि भिंडी अच्छे से भुन जाए, हल्की सी कुरकुरी हो जाए। आप देख सकते हैं भिंडी ने तेल छोड़ दिया है। हमारी भिंडी भुनने ही वाली है, थोड़ा और भूनेंगे हम इसको। देखिए आलू भी भुन चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। डालूंगी मैं अमचूर पाउडर। आपको अमचूर पाउडर पसंद हो तो आप डालें, आप नींबू भी डाल सकते हैं, और पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। भिंडी बन के तैयार हो गई है, बाउल में निकाल लेंगे हम। लीजिए हमारी भिंडी बिल्कुल बन के तैयार है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। बिना प्याज लहसुन की मसाला भिंडी तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें